अजीब मजाक है। मतलब 200 से 300 बेड के अस्पताल वाले बच्चे जो लोग पढ़ाई करके वहाँ पर जॉब करें, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि भाई क्राइटेरिया आप बना रहे हो तो उन लोगों को भी तो मौका दो जो बड़े में, अब डायरेक्ट बड़े में लोगों को जॉब मिलती नहीं है, छोटे से शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा आपके सामने जो RML हॉस्पिटल है लखनऊ का, उसमें गवर्नमेंट वैकेंसी निकल के आई है, परमानेंट वैकेंसी निकल के आई है जो कि OT असिस्टेंट को लेकर है। तो मैं इसी वीडियो में बात करेंगे हम। तो डायरेक्ट देखो दोस्तों, मैं डायरेक्ट साइट पर चलता हूँ, साइट से ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे जिससे कि आप खुद भी कर सकें। अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ RML, जो कि देख पा रहे हो मैंने अभी कुछ देर पहले किया था तो ऊपर ही आ रहा है ये RML। अब यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट, अभी ऊपर जो दिख रहा है आपको इसी पर ओपन कर देना है, ओपन कर देंगे। अभी देखिए, जैसे कि आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं वैकेंसी के। अब आपने एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑन द नॉन टीचिंग जो कि पीछे गया है उस वाले पे ओपन करना है। अगर जल्दी जल्दी से निकल जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपने व्यू मोर कर देना है। व्यू मोर करोगे तो आपके सामने सारी चीज़ें रुक के सामने आएंगी। अब ये सेकंड नंबर का जो सीरियल नंबर है, एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट टेक्निकल ग्रुप सी, इसको आपने ओपन कर देना है, डाउनलोड कर देना है, सीधा भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हो, आपके सामने ये साइट ओपन हो गई है जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को ओपन कर दिया गया है। अब ये देखिए आपके सामने मैं पढ़ता हुआ चलता हूँ। दोस्तों, इस वैकेंसी की जो रहेगा एग्ज़ाम वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, जो कि 2024 में होगा। ये मैं पढ़ लेता हूँ, मेन मेन चीज़ें आपके सामने हैं, मेन मेन चीज़ों की तरफ चलेंगे, ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो ताकि जानकारी पूरी आपके सामने रहे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का जो इन्होंने बोला है, देखिए इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र का लिंक का विंडो मार्च 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इस वैकेंसी की जो अप्लाई ऑनलाइन कर, मतलब जो बोलते हैं ना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे इस पोस्ट के लिए, जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट आएगी और जो लास्ट डेट रहने वाली होगी वो आपको मार्च के लास्ट 3rd और 4th वीक में मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने अभी भी नोटिफिकेशन जारी किया लेकिन ओपनिंग डेट और लास्ट डेट डाली नहीं है, जिसके लिए बोल रहे हैं बार बार इनकी साइट पर जाके आपने चेक करते रहना है। क्लियर हुई ये चीज़ें? क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इस पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। ये निकल के आ गई है पोस्ट यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसमें, देखो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी हैं, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी पोस्ट हैं जो आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 पर, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है जिनकी पोस्टें 11 हैं। अभी सीरियल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें OT असिस्टेंट की वैकेंसी है, OT एरिया के लिए रखी गई है इन्होंने, जो कि ग्रुप सी की है, लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है। और इसमें देखो 11 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व की हैं, 5 पोस्ट SC की हैं, ST की कोई पोस्ट नहीं है और OBC की 7 है, टोटल नंबर हैं 25 पोस्ट हैं। और यहीं पे मैं बात करूँ, OT असिस्टेंट ICU के लिए भी पोस्ट निकाली हुई है इन्होंने, आप देख सकते हो ये सीरियल नंबर 3 वाली, OT असिस्टेंट ICU एरिया के लिए चाहिए, इन्होंने इसकी पोस्ट निकाली है दोस्तों 25। क्लियर हो गई हैं चीज़ें, समझ आ रही हैं? OT असिस्टेंट एक OT के लिए मांगे गए, एक ICU के लिए मांगे गए, लेकिन सेम ही है। और 3rd नंबर पर बात करें तो OT असिस्टेंट इंटरवेंशनल एरिया के लिए भी इन्होंने मांगे हैं, जो कि पोस्ट इन्होंने रखी हैं 10। तो टोटल अगर मैं बात करूं 25 25 और 10, तो टोटल मिला के 60 पोस्ट निकल के आई हैं दोस्तों। 60 पोस्ट अच्छी होती हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको वैकेंसी में, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतनी पोस्टें, एक दो पोस्ट तो नहीं है कि आपका नंबर नहीं आ पाएगा, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो ज़रूर आपका नंबर आएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो। 60 पोस्टें कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनके क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है चीज़ों के बारे में। अभी बात कर लेते हैं उसी क्राइटेरिया पर पहुँचने से पहले, इन्होंने लिखा है सैलरी। अब सैलरी क्या रहेगी लेवल 5 के अकॉर्डिंग? ए ग्रेड रहेगा आपका 29,200 से लेकर 92,300, यानी 29,200 और 92,300 तक। बात की जाए तो बेसिक पे की और बेसिक पे एडमिसेबल ऑन द मिनिमम ऑफ द पे स्केल, तो वो रहने वाली है दोस्तों 29,200 से स्टार्टिंग रहेगी, और उसके साथ मिलेंगे आपको अदर अलाउंसेस एज एडमिनिस्ट्रेटिव, जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे के सारे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इसकी सैलरी की बात। अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट बात है, वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सबके दिमाग में चलता है ना, काफ़ी
टाइम से दिमाग में रहता है मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में दिमाग में रहता है, उसी के बारे में बात करते हैं। अभी ओटी असिस्टेंट, ओटी एरिया वाले के अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों इन्होंने मांगा है बीएससी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। समझ आ गई इन्होंने क्या मांगा है, बीएससी मांगी है। एक में मांगा इन्होंने बीएससी, जो कि फ्रेशर बच्चे भी जो बीएससी ओटी कर चुके हैं, बीएससी ओटी वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्रेशर होंगे वो भी चलेंगे। और इन्होंने ऑप्शन दिया है और लोगों के लिए। और लोगों में कौन आएंगे, और लोगों में आएंगे 10+2 भी साइंस साइड से जिन्होंने की होगी, यानी कि 12th जिन्होंने साइंस साइड से की होगी, साइंस साइड मीन्स की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की होगी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि इन्होंने मेंशन किया है साफ साफ। 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, जो आप ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा करके बैठे हैं या ओटी सर्टिफिकेट है आपके पास या फिर ओटी डिप्लोमा है आपके पास, लेकिन उसके साथ साथ आपके वो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। और प्रेफरेंस मिलेगी उन लोगों को भी जो कि कैंडिडेट विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ओटी टेक्निक, लेकिन आपको 5 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। और साथ में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड इफ कैंडिडेट हैज वर्क इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल ऑफ एटलीस्ट 500 बेड। ये तो दोस्तों खतरनाक बात होगी, समझ रहे हैं आप, मतलब जो बच्चे 500 बेड के अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं, 500 बेड के अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो लोग एलिजिबल नहीं है? अगर उनके पास बीएससी ओटी है तो वो एलिजिबल है, अगर नहीं है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो भी 500 बेड के अस्पताल का। अजीब मजाक है, मतलब 200 से 300 बेड के अस्पताल वाले बच्चे जो लोग पढ़ाई करके वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि भाई क्राइटेरिया आप बना रहे हो तो उन लोगों को भी तो मौका दो जो बड़े में, अब डायरेक्ट बड़े में लोगों को जॉब मिलती नहीं है, छोटे से शुरुआत करते हैं। अरे 100 बेड 200 बेड ठीक है, आप सीधा 500 बेड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया आपको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दोस्तों मेरा तो कंसर्न था कि और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 200 से 300 बेड के अस्पताल में वर्किंग है, उनका मन होता है कि गवर्नमेंट में जाए, अब उनके सामने क्राइटेरिया आपने रख दिया कि 500 बेड का चाहिए जी एक्सपीरियंस, ठीक है उनका क्राइटेरिया है, अप्लाई करना है तो जॉब चाहिए तो उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओटी असिस्टेंट आईसीयू वाले की बात करें तो बीएससी चाहिए, वही सेम है, बीएससी चाहिए, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और वही सेम है, 10+2 भी साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या चाहिए, 500 बेड का एक्सपीरियंस चाहिए, सिंपल है दोस्तों। ये बात होगी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की बात होगी, और वही आपके ओटी असिस्टेंट इंटरवेंशनल एरिया के लिए जो निकाले गए हैं, जो कार्डियक कैथ लैब एंड ईईजी के लिए, उनके पास क्या होना चाहिए, बीएससी डिग्री रिलेटेड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, वही है सेम, और 10+2 विद साइंस, और 5 साल का चाहिए साथ में एक्सपीरियंस, और क्या चाहिए, 500 बेड के अस्पताल का एक्सपीरियंस, सेम ही है जैसे पहले ऊपर था। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। इन्होंने एज लिखी है, मिनिमम एज होनी चाहिए इस पोस्ट को, अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल से 40 साल, यानी 18 साल कम से कम होनी चाहिए और 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर किसी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं कैटेगरी को तो उसमें वो एड ऑन हो जाएगी, 40+ हो जाएगी। आयु सीमा में छूट वही 5 ईयर जो चलता है क्राइटेरिया गवर्नमेंट का, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट बातें, अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने की फ़ीस कितनी लगेगी, सबके सवाल दिमाग में रहता है फ़ीस कितनी जाएगी, तो दोस्तों इसमें अनरिजर्व की जाने वाली है 1180 रुपये, सिंपल है, अनरिजर्व की 1180 रुपये जाने वाली है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है 1180 रुपये, सेम ही, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी की जाने वाली 600 रुपये, जो आप देख पा रहे हैं सामने, टोटल मिला के रहेगी 708 रुपये, जो टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह लगा के 708 रुपये रहने वाली है। ये इम्पोर्टेंट बात थी कि फीस का चार्ज कितना है। अब इसमें एक बात और है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है तो ऐसी दशा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन के साथ साथ अलग अलग आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, बन भी रहा होगा कि क्या मैं दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस चार्ज अलग अलग देना पड़ेगा दोनों पोस्ट का। आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तीन पोस्ट के लिए अप्लाई करें,
आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया फीस का क्राइटेरिया, और बात करते हैं हम इसमें आगे जो मेन चीज़ें हैं। अब सवाल दिमाग में ये भी रहता है बच्चों के कि हमारा जो पेपर रहेगा वो हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो दोस्तों आपको सुनकर बेहद खुशी होगी कि ये जो पेपर रहने वाला है बायलिंगुअल है, हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। मतलब वही क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, वही क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे। तो आपको जो उनकी भाषा ज़्यादा अच्छे से समझ आए उस भाषा में पेपर को करना। सिंपल, क्लियर होगी मेन चीज़। तो दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो आपका ये पेपर रहेगा बायलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ये रहेगा आपका 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। और इसकी ड्यूरेशन जो रहेगी वो रहेगी 2 घंटे की। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने सवाल आएंगे। वो आएंगे आपके 60 नंबर के मार्क्स वाले, 16 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका काम है भर के, उसके रिलेटेड आएंगे 60 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिनमें से 10 नंबर के सवाल आएंगे जनरल इंग्लिश से, और 10 नंबर के आएंगे जनरल नॉलेज से, और 10 नंबर के आएंगे रीजनिंग से, और 10 नंबर के आएंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। तो दोस्तों ये थी एक जो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है उसका नोटिफिकेशन आया था, तो मुझे लगा कि आपको शेयर करना जरूरी है ताकि आप लोग जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिन लोगों तक पहुँचनी है वहाँ तक पहुँचा देना ताकि वो लोग अप्लाई कर सकें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन के लिए और थ्योरिकल क्लासेस के लिए और ओटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप और हम एक टीम बनके काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।